नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। क्या आप सभी ने ये सोचा है कि क्यों हर दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है? जहां पर सरकार और प्रशासन द्वारा हर दिन गाइडलाइंस जारी किए जा रही है, सरकार द्वारा सारी पहल की जा रही है कि एक बार फिर से लॉकडाउन ना लगे, फिर भी कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करती उन पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। इस वक्त हम उपस्थित हैं नाला सुपरा पूर्व के राधा कृष्ण होटल के परिसर में। यहाँ पर आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से अब पुलिस प्रशासन भी जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करते उन पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। जो लोग मास्क नहीं पहनते उन पर 200 रुपये का फाइन भी लगा रही है और उनसे आह्वान कर रही है कि आप प्लीज अगले बार से मास्क पहने। वही नाला सुपरा पूर्व के पुलिस प्रशासन द्वारा खुद के पैसों से लोगों को मास्क वाटप किया जा रहा है ताकि लोग अगली बार घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग करें। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि सरकार और प्रशासन सारी वो गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचा रही है, सारी सेफ्टीज ले रही है। अब हमारे हाथ में है कि माझा परिवार माझी जिम्मेदारी इस पहल को, ये जो योजना जारी की गई है इसका हम खुद उपयोग करें ताकि हमारा जो परिवार है, हम और हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें और एक बार फिर से लॉकडाउन ना लगे। आदि क्यों आता है?